त्योहार मूल में मजदूरों पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में भाजपा ने हंगामा किया, जिसके बाद अब इस मामले में सीएम नीतीश ने एक्शन लिया है। आप बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर जानलेवा हमला लगातार हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा धारदार हथियार से बिहारी मजदूरों पर हमला किया जा रहा है, वहां मौजूद मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। इस हमले में करीब 4 दर्जन मजदूर के घायल होने की सूचना है। इसमें बिहार के मजदूर भी शामिल है। जी, मजदूरों के घायल होने की सूचना है। बिहार के मजदूर शामिल है। हिंदी भाषियों पर हमला हफ्ते भर से जारी है। सबसे पहले त्रिपुरा में हिंसा की घटना हुई थी, जिसके बाद अब ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक पहुंच गई है। जी हाँ, ये घटना जो है हिंसा त्रिपुरा से शुरू हुई थी, जो कि अब तमिलनाडु तक पहुंच गई है, जिसके बाद भाजपा के नेता ने तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और वे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु में जिस तरह मजदूरों की हत्या की गई और उन्हें अपमानित किया गया है, उसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहाँ बिहारी मजदूरों के साथ सुलूक किया गया, उन पर हिंसा की गई, उन्हें अपमानित किया गया, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ केक खा रहे हैं, इसके अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। सीएम ने लिखा कि बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करें और वहां रहने वाले बिहार के मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करवाएं। बता दें कि तमिलनाडु में स्थानीय लोगों के इस हमले में अब तक 2 लोगों की कथित रूप से मौत होने की बात सामने आ रही है और करीब 50 लोग के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, जो हम आपको बता रहे हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार हो रहे हमले से बिहारी मजदूर काफी डरे सहमे हैं और वे अब अपने अपने घर लौट रहे हैं। वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाद लखीसराय, गया, जमुई, भागलपुर, पटना, नालंदा, मधुबनी, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में रहने वाले बड़ी तादाद में लोग तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की सख्ती के बाद तमिलनाडु में बिहारियों पर होने वाले हमलों पर लगाम लगता है या नहीं। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।